राजनीति की दुनिया में संजय गांधी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भले ही वो देश को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिए हों, लेकिन आज भी उनसे जुड़े कई ऐसे किस्से कहानियां हैं जिसको जितना भी जानने की कोशिश की जाए उतना ही कम है। पार्लियामेंट्री बिजनेस की इस कड़ी में हम संजय गांधी के राजनीतिक जीवन से आपको वाकिफ कराएंगे। संसद में संजय गांधी की उपस्थिति से जुड़े कई किस्से आज भी राजनीति के पन्नों में दर्ज है। संजय गांधी, न जाने कितनी पहचाने उनसे जुड़ी हैं। इमरजेंसी के गुनहगार, मारुति उद्योग लिमिटेड के संस्थापक, कांग्रेस की 1977 की हार के जिम्मेदार, इंदिरा की 1980 में सत्ता में वापसी के सूत्रधार वगैरह वगैरह। अगर आज जीवित होते तो अपने जीवन के 8वें दशक में होते, लेकिन 1980 की गर्मियों में हवा में कलाबाजी के जुनून ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। महज 35 साल तक जिंदा रहा यह व्यक्ति देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखकर चला गया। लेकिन आज हम उनके इन अध्यायों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ सुनकर पहले ही आपके कान पक चुके होंगे। आज हम आपको संजय गांधी और रामविलास पासवान के उस लड़ाई के बारे में बताएंगे जब दोनों नेता संसद के अंदर भिड़ गए। मामला इतना तूल पकड़ लिया कि रामविलास पासवान ने संजय गांधी को साफ साफ कह दिया कि अभी और यही फरियाना है। दरअसल 1980 का साल था, उस समय संसद का बजट सत्र चल रहा था। इंदिरा गांधी की नई नई सरकार बनी थी और यह पहला ही सत्र था। इसी दौरान एक दिन लोकसभा में लोकदल के सांसद रामविलास पासवान बोल रहे थे, तभी पहली बार सांसद संजय गांधी उन्हें लोकसभा चुनाव में मिले। सबक को याद दिलाते हुए कुछ व्यंगात्मक टिप्पणी कर बैठे। इस पर रामविलास पासवान गर्म हो गए और कहा, ऐ संजय गांधी, हम 1969 में विधायक बने थे और अब दूसरी बार लोकसभा में आया हूँ, इसलिए मुझसे तमीज से बात करो। मैं बेल्छी में नहीं बल्कि देश की संसद में बोल रहा हूँ और यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी। और अगर रंगबाजी ही करनी है तो बताओ कहाँ फरियाना है, चांदनी चौक में या कनॉट प्लेस में। इसके बाद लोकसभा में दोनों तरफ से मामला गरमाने लगा और तब इंदिरा गांधी ने बीच बचाव किया और बोली, रामविलास जी, आप वरिष्ठ हैं इसलिए संजय गांधी को माफ कर दीजिए। संजय तो न्यू कमर है और उसे अभी संसदीय परंपराओं के बारे में बहुत कुछ सीखना है। इसके बाद लंच आवर में इंदिरा गांधी ने दोनों यानी संजय गांधी और रामविलास पासवान को मिलवाया और गिले शिकवे दूर कराए। लेकिन संजय गांधी संसदीय परंपराओं के बारे में कुछ सीख पाते उससे पहले ही 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। 1980 का बजट सत्र संजय गांधी के संसदीय जीवन का पहला और आखिरी संसद सत्र साबित हुआ।